बैठो ओ सर करो काफिला यहाँ से निकल चुका है। खुशी की लहर जो है वो बच्चों के अंदर, क्योंकि मैम जितने लोग थे मैक्सिमम सबका ये सोल्यूशन अभी सबको मिलेगा, जो कि अभी ये सबके लिए कॉमन हो गया। और हेल्थ मेडिकल सर्विसेज के लिए भी कितनी बड़ी राहत है कि इन लोगों का बहुत ज़्यादा, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया और इनको एक्सपीरियंस भी मिला हमारा भी, जो मुश्किल टाइम था ये सारे कितनी खुशियाँ आवा जी आपका काम हो गया। हम अभी तक जो सर्वे जो आश्वासन हुई है उसकी वजह से हम काफ़ी खुश हैं, लेकिन अब बहुत जितना आगे कार्रवाई होती है एक्चुअल में जो दिन रात बैठी हुई है। इधर किसी को खड़े मत होने दो, यार छोड़ो ना। क्या हो गया बेटा? यार पीछे मोबाइल पीछे रखो ना। आराम यार माइक नहीं। वो एक आदमी बताओ बेटा। सर एक्चुअली जब कोविड का फर्स्ट फेज ऑफ लॉकडाउन था उस टाइम पे एडवर्टाइजमेंट्स निकाली गई थी अंडर कोविड 19 की, हमें स्टाफ की ज़रूरत है। हमें से कुछ बच्चे स्टाफ नर्सेस हैं, कुछ बच्चे फार्मासिस्ट हैं, कुछ बच्चे लैब टेक्नीशियन हैं, कुछ लोग एनएससीसीआई टेक्नीशियन हैं, अंडर वेरियस पोस्ट वेरियस कैटेगरीज एनओ साइंस फाइव वाले हैं। हमें वेरियस कैटेगरीज के अंडर वेरियस ऑर्डर्स के अंदर हमें एम्प्लॉय किया गया था सर। फिर उसके बाद हमारी जब ज्वाइनिंग हुई हमें अंडर एनएचएम रखा गया था। उसके बाद हमें बोला गया कुछ बच्चों को जैसे लक्ष्य के अंडर रखा, कुछ बच्चों को कोविड 19 के अंडर रखा जो कि शुरू में अपॉइंट हुए थे कोविड 19 वाले सर। उसके बाद ईसीआरपी भी आ गया, बहुत सारे ऐसे ऐसे पैकेजेस मतलब सब डिस्ट्रीब्यूशन आ गई अंडर एनएचएम। तो सर लास्ट में हमें एक ऑर्डर के तहत ये बोल के कि हमारे पास फंड्स नहीं है, हम सबको डिसएंगेज कर दिया गया। सर हम लोग तो वही बिहार में 7 अगस्त को आया था, 8 अगस्त को श्रीनगर मेडिकल कॉलेज से वहाँ प्रिंसिपल जो थी उन्होंने मुझे कहा कि हमारे पास नर्सिंग स्टाफ की दिक्कत है कोविड मरीज, तत्काल 100 यहाँ हमने स्टाफ सेंटर इसको बंद कर दिया, तो परमानेंट अपॉइंटमेंट तो नहीं है। अभी तुम लोगों को मैं 3 महीने का स्टेटमेंट दिलवा देता हूँ। नंबर 1, नंबर 2 पोस्ट हमारे पास इंटरव्यू हम एडवर्टाइज करते हैं और आपने कोविड में ड्यूटी की है तो आपको वैसे ही दिलवा देते हैं, यही तो काम हो सकता है। ठीक है तो पानी पिलाएंगे हो गया सर हमारे लिए।
से बातचीत कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ा ऐलान होगा वो देखने वाली बात है, क्योंकि बीते कुछ दिनों से ये जिंदाबाद के नारे यानी सर सर प्लीज सर कुछ कहना चाहेंगे क्योंकि काफी समय से ये संघर्ष कर रहे हैं। सर ये यहाँ आया था, मेरी जानकारी में आया, दो फैसले हमने किए हैं, एक कोई नहीं 3 महीने का एक्सटेंशन हम सूरत दे रहे हैं जी, और दूसरा जितनी पोस्ट है यूपी के पास वो हम एडवर्टाइज करेंगे, और क्योंकि कोविड में इन लोगों ने बहुत ही मन से काम किया है तो नियुक्ति में इनको हम वेटेज देंगे ताकि ये बच्चे मेहनत कर सकें और समाज की सेवा कर सकें।